जो शख्स विराट कोहली को बुरा भला कह रहा है, इसे भारतीय टीम के कप्तान से कोई जाती दुश्मनी नहीं बल्कि पाकिस्तान से शर्मनाक हार का गुस्सा है जो वो मातम करके निकाल रहा है। हमारी भावनाओं के साथ खेला, अरे हम तो कहीं के नहीं रहे, अरे हम तो डिस्टर्ब हो गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफाई मातम बिछी हुई है। भारतीय घरों के डाइनिंग रूम्स में पड़े टीवी भी चुराहे तोड़े जा रहे हैं। जब कल आईसीसी का फाइनल भारत के हाथ से निकल रहा था तो भारतीय चैनल्स पर भी मायूसी छा गई। हम पाकिस्तान की चलाते थे लेकिन अब हिंदुस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं टीवी टूटने की। भारतीय चैनल्स क्रिकेट फाइनल की मैराथन कवरेज से ऐसे निकल भागे जैसे क्रिकेट फाइनल कहीं रुए जमीन पर हो ही नहीं रहा। तमाम भारतीय चैनल्स ने कई रोज से सजाए क्रिकेट के वर्चुअल सेट छोड़कर किसे पिटे मौजूदात पर नशरियात चलाना शुरू कर दी। जी न्यूज हो या टाइम्स नाउ, एनडीटीवी की बात की जाए या फिर न्यूज नेशन हो, तमाम के तमाम अपने लगे लगाए क्रिकेट के सेट छोड़कर कश्मीर, डॉनलैंड, भारतीय पंजाब या मगरबी बंगाल का रोना रोने लगे। जनमुक्ति मोर्चा ने नई रणनीति के साथ एक बार फिर आज से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। भारतीय प्रिंट मीडिया भी इस शबे गम को मनाता रहा। फ्रंट पेज पर जहां किसी न किसी भारतीय क्रिकेट की तारीफों पर तस्वीर के साथ तबसरा होता था, आज इनकी जगह हॉकी की खबरों ने ले ली। किसी भी भारतीय अखबार के पहले सफ़े पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खबर अगर आप मुहद्दिब अदसा लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी जनाब। अगर लंदन की बात की जाए तो ओवल की ग्राउंड में भारतीय शायकीन मैच के दौरान ही भाग निकले थे जबकि पाकिस्तानियों के नारों से पूरा लंदन गूंजता रहा। शाहीनों की जीत पर पूरा लंदन नाचने लगा। पूरा लंदन चमकदा ओ जदो नचदा दी, पूरा लंदन चमकदा। भारत की तरह बर्तानिया में भी भारतीय शाकीन ने मुंह छुपाकर भागने में ही आफियत जानी।